हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि जितने भी देवी देवता हैं उन सब ने अवतार लिया है। तो इस भारत भूमि की, इस पवित्र मिट्टी के ऊपर, इस भारत देश के अंदर ऐसी ऐसी मातृशक्ति हुई है जिन्होंने देवताओं को भी मजबूर कर दिया अपनी उस तपस्या के बल पर अवतार लेने के लिए। तो ऐसी ऐसी देवियां मेरे हिंदुस्तान में हैं, और आइए इस अंजनी के लाल की जो महिमा है वो कितनी महान है, आइए भाव के साथ चलेंगे। और आपसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप ऐसे दुखी दुखी से मत बैठो, क्योंकि आप यहाँ अगर खुशी से नहीं बैठ सकते तो आई थिंक कि दुनिया में आपको कहीं भी कोई खुशी मिलेगी। तो आपके घर में कोई टेंशन भी है तो वो बोल दो, मैया सब कुछ तुम्हारे अर्पण है, अब जैसा आप चाहो वैसे संभाल लेना। आइए तालियों के साथ चलेंगे और कहेंगे हो कितने और ईसा दरबार अनोखा नहीं मिलता, कि कितने और ईसा दरबार अनोखा नहीं मिलता, क्यों कि मेरे बालाजी के प्यार में धोखा नहीं मिलता। और कहेंगे हो कितने और ईसा दरबार अनोखा नहीं मिलता, और मंदिर के अंदर कोई ना हो, क्योंकि जब भी दिल की बात कहनी होती है तो उसके लिए एकांत चाहिए होता है। इसीलिए भाव के साथ बाबा जी को मनाएंगे और कहेंगे दुख काय को, परंतु हम इतने सेल्फिश इंसान हैं
कि सुख में उसके पास नहीं जाएंगे और दुखी में दौड़े दौड़े जाएंगे, और मांगेंगे भी तो प्रभु दुनिया के सारे सुख हमारे दामन में भर दो और जितने भी दुख हैं वो पड़ोसियों को दे दो। और मांगना है ईश्वर से तो श्रीमद् भागवत कथा के अंदर एक बहुत सुंदर सा एक टॉपिक आता है कि मांगना है तो माँ कुंती के भाव से मांगिए जैसे उन्होंने भाव रखा था। ठाकुर जी बोले बोले बुआ मांग लो जो चाहिए। बोले लाला मुझे देना है तो बस दुख ही दुख दे, मुझे सुख नहीं चाहिए। बोले आपके जीवन में पहले से इतनी सारी प्रॉब्लम्स को आपने फेस किया है, अब मांग भी रही हो तो फिर से। तो कहती हैं बोले कन्हैया कि वह सुख के माथे सिल पड़े। सिल समझते हो अंग्रेजनों? सिल पट्टा जिसमें पहले चटनी पीसते थे गांव में, पर आजकल तो ग्राइंडर आ गए तो सारी चीजें खत्म होते जा रही है। कि वह सुख के माथे सिल पड़े जो हरी हृदय सो जाए, और बलिहारी व दुख की में जो पल पल नाम जपाए। अरे कन्हैया वह सुख में तो मैं ठोकर मार दूं जो तेरे नाम को भुला दे, ऐसा दुख मेरे दामन में दे दे ताकि तेरा नाम हर पल मेरी जुबान पे रहे। वैसा ही सेम हनुमान जी के साथ है। हनुमान जी हमेशा 24 घंटे सिर्फ क्या भजते रहते हैं, राम सिया राम सिया राम सिया। तो इसीलिए तो कहा आदरणीय जीतन भाटी जी नोएडा से, वो भी 501 रुपए से बाबा जी के चरणों में अपनी अर्जी लगा रहे हैं। एक बार भाटी जी के लिए दोनों हाथों की जोरदार तालियां बजा करके आशीर्वाद दें उन्हें। आइए और कहेंगे भाव के साथ, ना मिले शांति चैन दुनियादारी में, ना मिले शांति चैन दुनियादारी में, कोई घर दुनिया में ऐसा नहीं जहां टेंशन ना हो। किसी के पास पैसा ज्यादा है तो टेंशन, किसी के पास पैसा कम है तो टेंशन, किसी के पास नहीं है तो टेंशन, पता नहीं दुनिया में होना क्या है। इसीलिए तो कहा ना मिले शांति चैन दुनियादारी में, पर घना मजा से बाबा तेरी यारी में, परे बाजार चोखा नहीं मिलता। चौपाइयों का गुणगान बाबा के दरबार में करेंगे। हम सभी जानते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के अंदर जो भाव रखा है, जो आप अपने घरों में हनुमान चालीसा पढ़ते होंगे उसका ये सुंदर सा भाव है, और मीठी मीठी तालियों के साथ दरबार में मीठी मीठी तालियों के साथ चलेंगे, कहेंगे भगवान किसको मिलते हैं और किसको नहीं मिलते, ये इन चौपाइयों के द्वारा भक्तों को समझाने की कोशिश की गई है। आइए भाव के साथ। हो राम सिया राम सिया राम कहेंगे भाव के साथ। थोड़ा सा इसका आवाज तो सुना दो मुझे। हो
इसीलिए तो कहा कि श्री राम नाम का जो जाप करेंगे उसका प्रभाव क्या होगा। हो प्रभाव को समझा है और एक चौपाई में बड़ा सुंदर सा लिख दिया। हो होने वाला था, जहां राज तिलक की तैयारी कर ली गई, सारी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजा दिया गया कि राम राजा बनेंगे, लेकिन वही मां की गई दशरथ जी को वचनबद्ध कर लेती है और कहती है महाराज पहले वचन में मेरे पुत्र भरत को राजगद्दी और दूसरे वचन में राम को 14 वर्ष का, ऐसा आज्ञाकारी बेटा जो 14 वर्ष वनवास में धक्के खाता रहा। इसीलिए तो कहा क्यों किया राम ने ऐसा, क्योंकि ओ अजी रघुकुल काम आएगा, भव से पार करेगा कि आत्मा का बस तू जतन कर ले और रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। कलयुग के अंदर सिर्फ राम नाम आपके काम आने वाला है, इसीलिए तो कहा करेंगे, लेकिन ऐसी एक भी मैया या एक भी पुरुष यहाँ ऐसा ना हो, एक भी भाई ऐसा ना हो जो आज की रात ये दो लाइनें अपने मुख से ना गाए। भाव के साथ दोनों हाथों की मीठी मीठी तालियां दरबार में बजा करके और भाव के साथ गाना है बोलो राम सियारा। हरि को भजे सो हरि को
आज की रात बाबा के प्यार में खुद को समर्पित कर दो और मीठी मीठी तालियां तालियां बजा करके होती।